Provisions अगर आप भूले एग्जीक्यूट नहीं, तो नहीं कर पाते हो आप कहीं ना कहीं कोई सिली मिस्टेक कर देते हो जिससे आपको बहुत हद तक कुछ मार्क्स है लूज करना पड़ जाता है आप एक्चुअली सोच के जाते हो कि नहीं मेरा मार्क्स ठीक आएगा क्योंकि मैंने अपने हिसाब से ठीक किया है बट फाइनली वेन यू सी द रिजल्ट यू डोंट सी द एक्सपेक्टेड मार्क्स विच यू

राइट right गाइस और फिर आप लोग जब हम लोग आपके साथ डिस्कशन करते कि पेपर कैसा गया था तो आप लोग बोलते बहुत अच्छा गया था सर हम तो सब करके आया बट सर आपने कुछ ना कुछ सिली मिस्टेक्स किया जिसके वजह से आपका मार्क्स डिडक्ट हुआ आप फाइनल आंसर तक नहीं पहुंच पाए या पहुंच पाए भी तो वो राइट नहीं है तो गाइज इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा मैंने बहुत मेहनत से थोड़ा रिसर्च करके स्टूडेंट्स लोग से बात करके मैंने सबको ओपिनियन लेकर फिर मैंने एक अपने आप से एक लिस्ट बनाया जहाँ पे मैंने एक अप्रोक्सीमेटली ट्वेंटी कुछ ऐसे मिस्टेक्स मैंने आइडेंटिफाई किए हैं जो कि मेरे को लगता है कि नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट अगर इसके बारे में अवेयर नहीं है कि ये मिस्टेक कोई भी कर सकता है तो अगर आप ये अवेयर नहीं है तो आप ये मिस्टेक कर सकते हो तो बेटर है कि आप इसको पहले समझ लो कि ये क्या ट्वेंटी पॉइंट्स मैंने आप लोग के लिए बनाया है जो मिस्टेक्स नॉर्मली कोई भी स्टूडेंट कर सकता है नोइंगली और अन सर तो फर्स्ट पॉइंट आता है सर वीडियो को पूरा देखिएगा शेयर करना लाइक करना क्योंकि मैं बहुत मेहनत से ऐसा वीडियो आप लोग के लिए बनाता हूं थोड़ा तो टाइम लगता है गाइस तो प्लीज थोड़ा सा उस चीज को आप आइडेंटिफाई करना सबसे पहला जो मिस्टेक जो स्टूडेंट करता है जो वो ध्यान नहीं देता क्वेश्चन में दैट इज ही फॉरगेट्स टू चेक द द स्टेटस ऑफ मिस्टेक है फर्स्ट क्वेश्चन में या किसी भी क्वेश्चन में पहला लाइन में सेकेंड या थर्ड वर्ड में दिया हुआ रहेगा मिस्टर राम अ रेसिडेंट मिस्टर राम अ नॉन रेसिडेंट या थर्ड या फोर्थ लाइन में कहीं पे भी दिया रहेगा

ठीक है तो इसका डिडक्शन टीटीबी में मिलता है टीटीबी एक सीनियर सिटीजन रेसिडेंट इंडिविजुअल के ऊपर एप्लीकेबल होता है तो यहाँ पे आपको स्टेटस चेक करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है अगर कुछ नहीं दिया हुआ है, तो है।, है तो वो आपको उसके हिसाब से आंसर निकालने पड़ेंगे तो प्लीज डोंट फोरगेट टू तो चेक दिस नेक्स्ट आता है एज सर या तो आपको बताएगा फिफ्टी टू या, या आपको बोलेगा बर्थ डेट बर्थ डेट भी बोल सकता है ओके दे कैन आस्क यू दे कैन गिव यू इन द क्वेश्चन कि वो अपना 64th बर्थडे सेलिब्रेट करा उसी साल वो अपना 60th बर्थडे सेलिब्रेट किया वो अपना 75th बर्थडे सेलिब्रेट किया वो अपने 81st बर्थडे सेलिब्रेट किया और दे गिव यू अ बर्थ डेट ही इज बोर्न ऑन 1946 और 1966 ऐसा करके समझ रहे हैं और 1970 ऐसा अगर किया 1947 या 1948 उससे आपको निकालना पड़ेगा कि करंट ईयर अगर आपके एग्जाम में 23 24 प्रीवियस ईयर रेलेवेंट है तो इस पर्टिकुलर ईयर में क्या वो 60 अटेन किया इसके ऊपर एक सीबीआई सीबीडीटी का सर्कुलर अगर आपको याद होगा दैट इफ आई एम अटेनिंग इफ माय बर्थडे फॉल्स ऑन फर्स्ट अप्रैल और माय 1st अप्रैल 23 को 60th बर्थडे बना रहा हूं तो मान लिया जाएगा कि 31 मार्च ट्वेंटी टू वाले साल ही मैंने अपना सीनियर सिटीजन वाला कोटा पूरा कर है तो आपके एग्जाम में आ सकता है आपने क्या है आप सिक्सटी के बन गए और अगर आप सिक्सटी के बन गए हो तो आपका टैक्स रेट चेंज हो जाएगा आप सीनियर सिटीजन के लाए जाओगे राइट right गाइस तो ये सब चीज है ना तो को बहुत फोकस करके, के में अपने आइडेंटिफाई करना है ठीक है नेक्स्ट सर जैसे आप सबको पता है कि नाउ द बिग पेन इज पेक्शन बी एस मैं पेन बोलूंगा उसको काफी बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं सर अब तो ऐसा है कि वन वन फाइव बी एस सी ऑप्शनल नहीं अब तो उल्टा हो गया है कि वन वन फाइव बी एस सी इज अ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम विच विल बी एप्लीकेबल इन योर केस हाउएवर यू मे ऑप्ट आउट आई रिपीट यू मे शिफ्ट आउट ऑफ दिस रेजिम एंड यू कैन ऑप्ट

याद होना चाहिए आपको अच्छा पर्सन टू पर्सन भी सर चार्ज रेट अलग होता है कभी किसी का सेवन टू फाइव है कभी टेन फिफ्टी ट्वेंटी है डिफॉल्ट टैक्स अलग ऑप्शनल टैक्स रेजीम में अलग है तो ये सब सर चार्ज रेट्स में कॉमनली मिस्टेक स्टूडेंट्स कंडक्ट करते हैं कन्फ्यूज हो जाते हैं अच्छा एओपी कंसिस्टिंग ऑफ में ओनली का सरचार्ज रेट अलग है याद होना चाहिए आपको ठीक है सर रिबेट इज अ बिग क्वेश्चन मार्क रिबेट अब रेजिम वाइज हो गया है इफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तो सेवन लाख का लिमिट है Right? और और कैलकुलेट तो ,00 तो तो करो मतलब आपको टोटल इनकम चेक करना पड़ेगा बिफोर गिविंग एनी रिबेट तो रिबेट देना भूलना नहीं है मैं बता रहा हूँ रिबेट देना भूलना नहीं है तो टोटल इनकम चेक करना पड़ेगा उसके लिए तो टोटल इनकम कितना है टैक्सेबल इनकम कितना उसके लिए आपको रिबेट का लिमिट चेक करना पड़ेगा ऑब्वियसली जब मैं ये बोल रहा हूं तो सेस नॉर्मली स्टूडेंट भूलते नहीं है बट याद रखना टैक्स के बाद सरचार्ज के बाद आपका जो टोटल अमाउंट आएगा फाइनली आपको अपने आंसर में हेल्थ एंड एजुकेशन सेस फोर परसेंट एड करके चलना है ये मिस्टेक मत करिएगा ये भी स्टूडेंट नॉर्मली मिस्टेक करता है राउंड ऑफ करना भूल जाता है टैक्स को राउंड ऑफ करना भूल जाता है इट शुड बी इन द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ टेन यानी लास्ट डिजिट जीरो होना चाहिए यानी आपका टू लैक एटी नाइन थाउजेंड ठीक है फाइव ट्वेंटी टू है तो आप उसको राउंड ऑफ करेंगे 289, 520. You have to round off. तो और अबव है, तो अपर राउंडिंग ऑफ होगा फाइव से नीचे तो लोअर राउंडिंग ऑफ होगा ठीक है सर तो ये आपको रिबेट ये सब याद रखना है सर नेक्स्ट कैलकुलेट टैक्स अंडर बोथ दी ऑप्शन इज में क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेरी आ रहा था मेरे एमक्यूपी वाले वीडियो पे भी सोल्यूशन पोस्ट किया था उसमें भी क्वेरी आ रहा था कैलकुलेट टैक्स अंडर बोथ दी ऑप्शन इज में इन दी क्वेश्चन अगर आपके क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं आपको बस लिख दिया कैलकुलेट टैक्स लाइबिलिटी ऐसा होगा नहीं बट अगर ऐसा लिख दिया तो गैस आपके लिए थोड़ा सा टास्क बढ़ जाएगा बिकॉज देन इन दैट केस यू हैव टू कम टैक्स यूजिंग बोथ दस डॉल्ट टैक्स रेजीम एज वेल एज द ऑप्शनल टैक्स रेजीम

और रहेगा भी नहीं आपको देना पड़ेगा इफ एनी इनकम इज कमिंग फ्रॉम सैलरी यू हैव टू गिव अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 50000 ओके अप टू 50000 यू हैव टू गिव स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर ग्रॉस सैलरी दी है लेकिन अगर भाई एनी चांस इफ दे हैव गिवन सैलरी इज कंप्यूटेड देन प्लीज डोंट गिव एनी फर्दर डिडक्शन बिकॉज़ इफ आई हैव गिवन सैलरी इज ड मान लो ग्रॉस सैलरी सैलरीड बेसिक सैलरी कंप्यूटेड तो आपको फर्दर कोई डिडक्शन नहीं देना बट अगर कुछ नहीं दिया है तो आपको फर्दर डिडक्शन देना पड़ेगा सर मान लो आपके क्वेश्चन में एक टोटल इनकम के क्वेश्चन में आया कि यू हैव रिसीव्ड पेंशन नथिंग इज गिवन एनीथिंग अबव दैट सो यू हैव टू गिव अ स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ फिफ्टी थाउजेंड सर ठीक है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलना सेम केस विद हाउस प्रॉपर्टी रेंट इनकम के अगेंस्ट में भी आप जो ट्वेंटी फोर uh, ए में अपने को 30 परसेंट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है नॉर्मली क्या होता है पता है हाउस प्रॉपर्टी का क्वेश्चन नहीं है बट टोटल इनकम के क्वेश्चन में एक रेंट का क्लॉज है कि रेंट रिसीव्ड यू जस्ट ऐड द रेंट यू फॉरगेट टू गिव द स्टैंडर्ड डिडक्शन तो स्टैंडर्ड डिडक्शन देना मत भूलेगा सर स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने सैलरी uh, में भी देते हैं स्टैंडर्ड डिडक्शन अपने हाउस प्रॉपर्टी में भी देते हैं और एक जगह पार्ट ठीक है uh, disputed, तो उसके ऊपर जो डील एंड इंटरेस्ट मिलेगा उसके अगेंस्ट में भी आपको डिडक्शन आई एफ ओस में मिलता है ठीक है वो भी एक तरह का स्टैंडर्ड डिडक्शन है ठीक है सर नेक्स्ट आओ अब सैलरी में क्या होता है नॉर्मली क्या होता है ये मैंने देखा guys, ये मिस्टेक होता है नॉर्मली बच्चों से क्वेश्चन में दिया रहेगा कि मिस्टर सो एंड सो हैज रिटायर्ड मतलब जो भी इंप्लॉई है वो रिटायर हो गया है ठीक है एंड दे हैव रिटायर्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे मतलब अगर वो इस पर्टिकुलर ईयर में रिटायर हुआ है ही हैज नॉट द एंटायर ईयर अपने क्या करते हैं ना जब सैलरी निकालते तो उसका इंटू ट्वेल्व इंटू ट्वेल्व करते हैं अरे भाई क्वेश्चन पढ़िए

सैलरी आपको उसके हिसाब से निकालना पड़ेगा इसमें बहुत कुछ डिपेंडेंट है आप मोटर कार का निकालेंगे निकालेंगे आप अच्छा में चेंज है आपको याद होना चाहिए ठीक है ना रेंट फ्री अकोमोडेशन का सैलरी uh, ये सब चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा सैलरी का प्रॉपर कैलकुलेशन करना पड़ेगा एग्जन परकोजिट निकाल के एग्जेमिशन

क्या है डीए फॉर्मिंग पार्ट नॉट फॉर्मिंग पार्ट इज जस्ट फॉर कैलकुलेशन ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स मान लीजिए अगर आपने कोई अग्रीमेंट किया कोई कॉम्पनसेशन आपको मिल रहा है सैलरी पर तो एम्प्लॉयर एंड इम्प्लॉय एक्चुअली वेदर दैट दैट डीए विल फॉर्म पार्ट ऑफ पर्टिकुलर पैकेज टू कैलकुलेट द रिटायरमेंट बेनिफिट तो अपने क्या करते हैं डीए फॉर्मिंग पार्ट नॉट फॉर्मिंग पार्ट जो ना ये इनकम टैक्स का रेट बेनिफिट कैलकुलेट करने के लिए ये बात किया जाता है सो यू नीड टू बी वेरी केयरफुल कि जब अपने सैलरी का मीनिंग पढ़ते हैं ठीक है जब अपने क्या पढ़ते हैं सैलरी का मीनिंग पढ़ते हैं फॉर वेरियस कैलकुलेशंस कैलकुले आर एफ ए आपको मिलता है आर एफ ए कैलकुलशन करना आपको एज अ परसेंटेज ऑफ सैलरी है वो सैलरी में आर एफ ए जब आप निकाल रहे हो तो आपको पर्सन का सैलरी निकालना है वो सैलरी में उसका डी ए फॉर्मिंग पार्ट आएगा कि नहीं आएगा यही तो हमें बात करना है तो मेजोरिटी जगह याद रखिएगा डी ए फॉर्मिंग पार्ट ही आता है डी ए फॉर्मिंग ट या था है, कुछ कुछ कैलकुलेशंस ऐसे हैं जहां पे आपको डीए फुल लेना पड़ता है ठीक है ना जैसे कि ग्रेचुअटी कवर्ड अंडर पोगा एक्ट पेमेंट ऑफ ग्रेचुअटी एक्ट तो इन दैट सिचुएशन आपको जो है अलग से अपना सैलरी कैलकुलेशन करने के लिए बेसिक प्लस डीए हंड्रेड लेना पड़ता है तो सैलरी आप कैलकुलेशन करेंगे प्रॉपर वर्किंग्स uh, करेंगे वेरियस कैलकुलेशन करेंगे वो सैलरी सबके लिए अलग अलग होता है तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल की कौन सा कॉम्पोनेट के लिए कौन से कैलकुलेशन के लिए क्या सैलरी है और अकॉर्डिंगली यू हैव टू अकॉर्डिंगलीफरेंशियट बिटवीन डी फॉर्मिंग पार्ट एंड नॉट फॉर्मिंग पार्ट फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन फिर आता है इंटरेस्ट ऑन लोन अब हाउस प्रॉपर्टी में अगर आए तो एचपी में स्टैंडर्ड डिडक्शन का एक मिस्टेक कर सकते हो दैट यू विल फॉरगेट नॉर्मली जब खाली रेंट दिया हुआ रहेगा बट हाउस प्रॉपर्टी दिया तो आपको याद आ जाएगा नॉर्मली इंटरेस्ट कैलकुलेशन में स्टूडेंट मैथमेटिक्स का फेलियर करते हैं कि उनको एक पर्टिकुलर ईयर का इंटरेस्ट निकालना है जो कि एप्रूवल बेसिस पे निकाला जाता है ध्यान देना म्यूनिसिपल टैक्सेस जो आप डिडक्ट करते हो वो आप पेमेंट बेसिस पे डिडक्ट करते हो बट जो आप इंटरेस्ट का डिडक्शन लेते हो, वो आप पे लेते हो. तो, पे आपको लेट प्रॉपर्टी और सेल्फ प्रॉपर्टी दोनों के लिए मिलेगा सर अब एसओपी में आपको याद होना चाहिए दो लाख की लिमिट है सर अच्छा जब आप मैं दो लाख की लिमिट एसओपी से निकालता हूं तो यहां पे ना आप लॉस का मिस्टेक भी कर सकते हो एचपी लॉस मैक्सिमम टू लाख ही अलाउड है ठीक है ये सब हम डिडक्शंस के साथ कैलकुलेशन करके आपके साथ डिस्कस करेंगे सेट ऑफ एंड उसका

एरर का जोन है जो मैं आपको पहले रेड फ्लैग दे दे रहा हूं सर नेक्स्ट कैपिटल कैपिटल गेन्स हम आए तो गेन में मैंने देखा है कि जनरली बच्चे इंडेक्सेशन को लेकर सा गड़बड़ करते हैं कि ईयर ऑफ ट्रांसफर है और एक ईयर ऑफ एक्विजिशन है बट काफी बार क्या होता है कि अपने को इंडेक्सेशन क्या है ना अपने को मिलता ही नहीं है जैसे ऐसा सिचुएशन है जिस स्लम सेल स्लम सेल भले आपका लॉन्ग टर्म है कैपिटल गेन है बट स्लम सेल में यू विल नॉट गेट द इंडेक्सेशन बेनिफिट बिकॉज आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है नेटवर्थ तो ऐसे बहुत सारे केसेस यहां पर हो सकते हैं जैसे डिबेंचर है बॉन्ड्स है ऑल दो लॉन्ग टर्म वहां पर आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है तो कुछ कुछ केसेज में आपको इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता अच्छा यहाँ पे आपको मंजुला जेशा शाह वाले जजमेंट याद होना चाहिए कि इफ यू हैव एक्वायर्ड द एसेट अंडर अ गिफ्ट और विल और इनहेरिटेंस और एनी स्पेसिफाइड मोड ऑफ ट्रांसफर विच इज तो वहां पर आपकी जो कॉस्ट होगी वो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होगी आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग प्रीवियस ओनर का पीरियड ऑफ होल्डिंग होगा बट आपका इंडेक्सेशन भी प्रीवियस ओनर का होगा ऐसा बोलता है बॉम्बे हाईकोर्ट इन केस ऑफ मंजुला जीशा ये सब याद रखना पड़ेगा ठीक है ना कि इंडेक्सेशन वाला चीज ये चीज है फिर फुल वैल्यू कंसिडरेशन में डिटरमिनेशन कैसे करते हैं उसके अलग अलग केस स्टडीज है फिफ्टी सी का प्रोविजन अलग है फिफ्टी सी ए का प्रोविजन अलग है फिफ्टी डी का प्रोविजन अलग है ना फिफ्टी 50... बी का भी एक प्रोविजन अब अलग आ गया कि फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द अंडरटेकिंग विल बी कंसिडर टू बी द फुल वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन तो ऐसे सबके केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन का भी स्पेशल केसेस है कैलकुलेट करने का नॉर्मली सर अपने को पता होना चाहिए कि कैपिटल एसेट जो अपने क्लासीफाई करते लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म में दैट डिपेंड्स ऑन योर पीरियड ऑफ होल्डिंग किसका ट्वेल्व मंथस है किसका ट्वेंटी मंथ्स है किसका 36 सिक्स मंथस है इसमें कंफ्यूज मत हो ही कॉमन मिस्टेक्स है जो स्टूडेंट करता है लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म कर देता है शॉर्ट टर्म को लॉन्ग टर्म कर देता है यह मिस्टेक नहीं होना चाहिए सर कैपिटल गेन में uh, मेरे हिसाब से ग्रॉस कैपिटल गेन सब निकालने के बाद अगर आप कोई मिस्टेक कर सकते हो एग्जामिशन सीरीज में आपको आइडिया uh, होना चाहिए कि व्हाट आर द कंडीशंस बेस्ड ऑन विच यू विल गेट द एग्जीबिशन बेसिकली यू आर री इन्वेस्टिंग

टैक्स रेट तो भैया किंग है कैपिटल गेन का एंड इसमें एक पॉइंट याद रखना वन वन टू ए में मेरे पास क्वेश्चन आता है वन वन टू ए में देर बी नो रिबेट एटी ए का रिबेट 112 ए में नहीं मिलता है 112 में मिल जाता है 111 ए में भी मिल जाता है चाहे आप ओल्ड रेट में चाहिए या न्यू रेट में चाहिए ठीक है ये चीज याद रखिएगा प्लीज ठीक है सर ये रहा कैपिटल गिननाओ मैं आई में जाऊँ तो आई में ओ मैसेज कोई मिस्टेक्स का नहीं है लेकिन हाँ लिंकेज ऑफ आई विद अदर चैप्टर्स है जैसे कि लिंकेज बिटवीन 56 टू 10 एंड 50 सी you are i am transferring my building to you at a lower consideration so tax capital gain may be a or apq per IFOS because you are actually receiving the property from me for a lower value so whatever the difference in stamp duty value or fair market value and the actual consideration is that will be taxable in your hands as ifos and i will be liable to pay capital gain on a higher price now yad rakhega, when you further will sell the asset to so, hoga whatever was the sale value

डिडक्शन वाले चैप्टर में अक्सर मैंने देखा है कि इंटरेस्ट को लेके स्टूडेंट्स के कंफ्यूजन आते हैं एबल ई एद होगा इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी यहाँ पे आपको 1.5 लाख का डिडक्शन मिलता है यहाँ पे 2 लाख दोनों मिलेगा एक क्वेश्चन में दोनों डिडक्शन मिल सकता है ठीक है ना ट्वेंटी फोर बी

इंटरेस्ट ज्यादा पे करती है तो आपका लॉस दो लाख से ज्यादा का सकता है डेफिनेटली आ सकता है बट आप सेट ऑफ तो दो लाख से ही दो लाख ही कर सकते हो विद अदर हेड्स तो एचपी का बेनिफिट यानी कि आप क्या करना इंटरेस्ट को आपको कुछ इस तरह से कैलकुलेट करना कि आप एटी डबल ले लो उसके ओवर एंड अबव जो बच रहा है वो फिर आप अपने एलओपी में ट्वेंटी फोर बी में क्लेम करो मेरा बोलने का मतलब ये है कि वट एवर यू कुडेंट क्लेम in 24b because of the restriction of 2 lakh you should claim in atwa because you are getting both the benefit obviously subject to conditions sir tta ttb ek aisa do jisko bolte hai na bad kismat deductions hai jo generally bacche bhul jate hain interest income interest income जब भी क्वेश्चन में दिखेगा और तुमसे total income पूछेगा तो TTA और TTB वाला जो दो section है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है 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 ना ये ध्यान रखिएगा और 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 में 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 बहुत अक्सर होता के के लिए है और -डी, आपके डिपेंडेंट के लिए आपके नाम से ही समझ आ जाएगा और TTA में क्या फर्क है बहुत है टीटी इज ओनली फॉर रेसिडेंट सीनियर सिटीजन और इसमें एक्स्ट्रा जो आपको डिडक्शन मिलता, मिलता है वो इंटरेस्ट ऑन एफडी मिलता है इंटरेस्ट ऑन एफडी का डिडक्शन आपको TTA में नहीं मिलता है। TTA बाकी सबके लिए एप्लीकेबल है

सर सेट ऑफ वाला चीज़ में जनरली आपको अगर रूल्स याद नहीं है कि कौन किसके साथ जैसे क्या है ना अक्सर कंफ्यूजन होता है मैं बताता हूँ कंफ्यूजन क्या होता है स्पेक्यूलेटिव इनकम है क्या है स्पेक्यूलेटिव इनकम है एंड नॉन स्पेक्यूलेटिव लॉस है स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएगा सर ये तो स्पेक्यूलेटिव इनकम है इसके साथ कोई सेट ऑफ नहीं हो सकता नहीं मैंने ये नहीं बोला मैंने आपको ये पढ़ाया था स्पेक्यूलेटिव लॉसेस कैन नॉट बी सेट ऑफ इनकम थोड़ी ना सेट ऑफ करते आप

जबरदस्त इंपैक्ट है डिफॉल्ट टैक्स रेजी वन वन फाइव बी ऑन सेट ऑफ ऑफ लॉसेस एचपी लॉस अलाउड नहीं है फर्स्ट ऑफ तो ऑल एचपी लॉस आप सेट ऑफ तो नहीं कर सकते विद अदर हेड अंडर वन वन फाइव बी एंड द डिडक्शन विच आर नॉट अलाउड इन वन वन फाइव बी बिकॉज ऑफ डिडक्शन इफ देर आर नी लॉसेज कमिंग देन दैट लॉसेज नॉट बी सेट ऑफ अंडर विद अदर हेड्स अंडर द डिफॉल्ट टैक्स सर ये तो एक नॉर्मल मिस्टेक है बट इसका जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आप करेंगे अच्छा है कि आपको अगर दोनों लैब दोनों पड़े तो मेरा हमेशा ओल्ड पहले निकालना अब तुम्हें क्या करना है न्यू में कन्वर्ट करना है तो ओल्ड में जो आंसर आएगा ना वही से तुमने तुमको प्लस प्लस करना है जैसे हम पीजीबीपी में करते थे समथिंग विच यू हैव बीन अलाउड तुम्हें एडबैक करना है क्योंकि तुम डिसअलाउ कर रहे हो अब अगर

कुछ भी कर सकते हैं आप न्यू के बाद ओल्ड को माइनस कर सकते हो ओल्ड के बाद न्यू को ऐड कर सकते हो बट करना ऐसा जो भी काम से कम टाइम लगे है। ठीक है माइनर चाइल्ड के क्लबिंग में आप भूल भूल जाते जाते हो हो को exemptions कैसे देना है भूल जाते हो, का एग्जामेशन मिलेगा आपको माइनर चाइल्ड के क्लबिंग ऑफ उसमें अच्छा वन वन फाइव बीसी में जाओगे तो नहीं मिलेगा ऐसे करके टीडीएस भैया जितना कम जितना पढ़ो कम है मैं बता देता हूँ एक तो टीडीएस रेट्स अच्छे से याद करना है टेन फाइव किसका कितना क्या है लिमिट्स बहुत बढ़िया से याद रखना है अच्छा कुछ कॉमन सेक्शन है जहां पे अपने पढ़े थे इंडिविजुअल इफ इफ दे इन द लास्ट ईयर दास्ट इज टर्न ओवर वॉज नॉ एक्सीडिंग वन करोड़ी मतलब पेयर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान देना कुछ रिस्पेक्टिव सेक्शन पे पेयर के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देना कुछ अदर रिस्पेक्टिव सेक्शन में इनकम अगर दिया हुआ कोई भी मान लो इंटरेस्ट इनकम है या, या रेंट इनकम ब्रैकेट में नेट दे दिया है

मैक्सिमम लिमिट नहीं कर रहे हो आप चेक में कर रहे हो तो आपके लिए लिमिट थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया है फिफ्टी फिफ्टी परसेंट आपका जो लिमिट है वो ज्यादा कर दिया गया है तो वो सब चीज जैसे टू करोड़ का थ्री करोड़ भी हो गया है फिफ्टी लाख का सेवेंटी फाइव लाख भी हो गया ऐसे करके लिमिट है 44 AD AD अच्छा इसमें ध्यान रखना अगर आप PTS में जा रहे हो तो आप एडवांस टैक्स का आपका इंपैक्ट है कि एडवांस टैक्स आपको वन इंस्टॉलमेंट में देना पड़ेगा खाली AD AD ए में सच कोई बेनिफिट नहीं दिया AD AD में बेनिफिट दिया कि आपको खाली वन इंस्टॉलमेंट दैट इज लास्ट क्वार्टर एडवांस टैक्स आपको देना पड़ेगा ये कुछ कॉमन मिस्टेक्स मुझे नजर आया ठीक है जो सोचा मैं कि आप लोग के साथ एक बार डिस्कस करूं सो दिस वाज ऑल अबाउट व्हाट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो इसी तरह से अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है कोई डिमांड है तो जरूर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर आप इस टॉपिक पे हमें बताओ या इस टॉपिक को हम लोग कैसे इजी कर सके वो हमें बताओ तो जनरली जरूर आपकी जो डिमांड्स है वो पूरी होगी बाकी यूट्यूब का जो सेशंस से है बेटा वो सब आपको बता दिया गया है कि हमारा मैराथन सब कुछ हमारा मैराथन बाई दिस मंथ एंड ठीक है एंड ऑल द प्रैक्टिस ऑफ ऑल द प्रेक्टिस आई टीच एवरी थिंग कम्प्लीटेड और जिसका शेड्यूल भी मैंने अपने यूट्यूब कम्युनिटी टाइम में डाल दिया आप लोग के लिए तो आप लोग के लिए कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी सर ओके ना थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई होप दैट आपको ये सेशन थोड़ा सा फ्रूटफुल लगा एंड uh, आपको डेफिनेटली अगर इस सेशन से अगर आपका मार्क्स थोड़ा सा भी बढ़ जाता है तो आई विल फील दैट माई मेहनत इज सक्सेसफुल सो डू वॉच दिस सेशन अगेन more uh, uh, once more than one times or twice इफ़ यू थिंक इट विल हेल्प यू इन फ्यूचर जब आप पढ़ रहे हो समय एक बार और देख लेना और प्लीज शेयर करिए अपने सारे दोस्तों तक सो so दैट आप इस चैनल को रीच बढ़ाने में मदद कर सके सो so दैट अगर आप शेयर नहीं करेंगे ना गाइस तो फिर क्या ना लोगों को पता नहीं चलेगा और आप ही वो एक ऐसे स्टूडेंट uh, हो जो अगर ये वीडियो को अच्छा आपको लग रहा है तो आपको शेयर जरूर करना चाहिए वो शेयर से ही आपका जो है सामने वाला का भला हो सकता है सर दैट्स इट फॉर द टे थैंक यू सो मच टेक केयर कॉर ब्लेस यू